तो देखिए उस तरफ तो भीड़ नहीं थी, लेकिन इस तरफ थोड़ा बहुत भीड़। तो फेड मार्केट सजी हुई है और आगे देखते हैं कितनी भीड़ हो रही है। तो मेले का गेट यहाँ पे बन चुका है। तो भाभी से मुलाकात हो गई थी। भाभी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज है 19 तारीख और दिन है आज थर्सडे का, और मैं हूँ अभी फ्लैट्स पे जहाँ पे स्टेडियम की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर हूँ। तो चलिए आपको व्यू दिखाती हूँ पहले। तो दोस्तों, शाम का टाइम है अभी, 6:15 का टाइम हो रहा है, और मैं हूँ अभी फ्लैट्स में। जो हमारा ग्राउंड है उसकी सीढ़ियों पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ियाँ बड़ी सुंदर सी लगती हैं। ये जो व्यू आता है यहाँ से, और सामने है नगर पालिका की बिल्डिंग, इस साइड पे दिखाई दे रहा है मस्जिद और फ्लैट्स का पूरा ग्राउंड। यहाँ पे मेले की तैयारियाँ चल रही हैं, तो कल परसों से यहाँ पे मेला शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, थोड़ी बहुत ही हैं, लेकिन पकौड़ियाँ वकौड़ियाँ बनती हुई कुछ मुझे दिखाई दे रही हैं। और सामने क्लाइंबिंग वॉल भी है, जहाँ पे शाम के टाइम पे वॉल क्लाइंबिंग करते हैं बच्चे। तो इस तरह का कुछ हो रहा है नैनीताल में। सामने बढ़िया सा सुंदर सा मून निकला है, तो यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं कुछ। तो दोस्तों, मौसम की अगर बात करें तो मौसम अब ठंड होने लगी है शाम के टाइम स्पेशली। दिन में उतनी ठंड नहीं है, लेकिन शाम के टाइम ठंडा शुरू हो चुका है। तो गर्म कपड़े लाना बहुत ज़रूरी है, जो भी नैनीताल आएँ घूमने के लिए वो गर्म कपड़े ज़रूर लेकर के आएँ। तो चलिए यहाँ से चलते हैं मार्केट होते हुए, और फिर अनमोल से भी मुलाकात करेंगे आज। तो दोस्तों, नैनीताल का हर एक कोना जो है वो अमित जी की याद दिलाता है, क्योंकि अमित जी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है पिछले कई सालों से। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए दुकानें अभी भी लगी हुई हैं, चाय वाय की दुकानें यहाँ पे मिल जाती हैं, चाय और कुछ छोटे मोटे स्नैक्स। और आगे फेड मार्केट लगी है, तो चलिए वो भी देखते हैं। तो फेड मार्केट सजी हुई है, और कुछ ग्रुप्स आजकल शायद घूमने के लिए आए हुए हैं, तो काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं ग्रुप्स में अलग अलग जगह से। और आजकल वैसे बंगाली सीज़न भी माना जाता है, क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम है, तो दुर्गा पूजा में बंगाली सीज़न ज़्यादा होता है। तो कुछ बंगालीज़ भी अभी मुझे दिखाई दे रहे थे। आगे देखते हैं कितनी भीड़ हो रही है। तो आगे जाने से पहले लेक का नज़ारा भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेक का खूबसूरत सा नज़ारा शाम का रिफ्लेक्शंस के साथ, और बोट स्टैंड इस टाइम बिल्कुल खाली है। तो यहाँ से आप लेक में मछलियाँ देख सकते हैं, कुछ मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं। और इस टाइम पे बोट स्टैंड बिल्कुल खाली हो चुका है, बोट्स भी अपनी अपनी जगह पे लग चुकी हैं, तो बिल्कुल खाली खाली सा हो रहा है। और इधर देखिए, यहाँ पे बोट्स की रंगाई पुताई होने के बाद उनको सुखाया जा रहा है। तो सब काम चल रहे हैं अपनी गति से, जैसे चलते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे निकलते हैं, थोड़ा मार्केट की तरफ चलते हैं। तो देखिए उस तरफ तो भीड़ नहीं थी, लेकिन इस तरफ थोड़ा बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। तो लोग काफ़ी हैं, इधर चहल पहल दिखाई दे रही है, और दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ पे मिल रहे हैं भुट्टे, जो कि नैनीताल में अब हमेशा मिलने लगे हैं। तो पहले भुट्टे मिलने का बड़ा एक पर्टिकुलर टाइम होता था, वो अच्छे भी लगते थे। अभी तो आप हमेशा किसी भी सीज़न में भुट्टे खा सकते हैं यहाँ पर। तो मेले का गेट यहाँ पर बन चुका है, तो कल से शायद मेला यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो कुछ दुकानें दिखाई दे रही है, लेकिन अभी पूरा अंधेरा है, थोड़ा बहुत सामान मिल रहा है शायद। तो बंगाली सीज़न, जैसा कि मैं कह रही थी, वो चल रहा है, क्योंकि जगह जगह पे बंगाली बोलते हुए लोग सुनाई दे रहे हैं। तो काफ़ी लोग आते हैं इस टाइम पे बंगालीज घूमने के लिए यहाँ पे। अक्टूबर सीज़न जो है वो बंगाली सीज़न ही माना जाता है, तो काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ कलाकार टाइप के लोग भी यहाँ पे दिखाई देते हैं घूमते फिरते, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का टाइम आ चुका है, तो काफ़ी सारे लोग आएंगे बाहर से भी। और चलिए गुरुद्वारे के दर्शन कर लेते हैं पहले। तो मैं गुरुद्वारे पे पहुँच चुकी हूँ। तो गुरुद्वारे से निकलते हैं आगे की तरफ, और पार्किंग में काफ़ी जगह है देखिए इधर।
₹118 आपको देने पड़ते हैं पार्किंग में और ₹25 बाइक के। तो चलिए यहाँ से चलें, और इधर भी कुछ स्टॉल्स बन रहे हैं शायद भंडारे के, या पता नहीं, अभी मुझे खुद भी नहीं मालूम है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं आ रही हूँ इस साइड पे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं मुलाकात अगर होती है किसी से, तो नहीं तो फिर अनमोल के पास तो चलेंगे ही। और भाभी मुझे लगता है घर जा रही हैं, तो घर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। हेलो दोस्तों, भाभी से मुलाकात हो गई थी, भाभी जा रही थी घर, तो उनसे काफ़ी देर बात हुई और अब मैं आ गई हूँ आगे की तरफ। मंदिर में आरती हो रही है, तो चलिए आपको आरती भी दिखाती हूँ और फिर अनमोल से भी करते हैं मुलाकात। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, भीड़ भाड़ काफ़ी दिखाई दे रही है, और जैसा कि मैं बोल रही थी, बच्चों के ग्रुप्स आए हुए हैं, तो कई स्कूल वाले आजकल घूमने के लिए आते हैं नैनीताल, तो बहुत सारे बच्चों के ग्रुप्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं, काफ़ी सजा हुआ मंदिर है और सामने से बबली दीदी दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों मंदिर बड़ा ही अच्छा सजा है, नवरात्रियों का टाइम है और भीड़ काफ़ी है, इस टाइम आरती हो रही है, तो आप भी आरती के दर्शन कीजिए। मंदिर से आ गई हूँ मैं अनमोल वाली साइड पर, चलिए अनमोल से करते हैं मुलाकात। तो दोस्तों अनमोल की दुकान पे मैं आ गई हूँ, अनमोल काफ़ी कामकाजी लड़का है, तो अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, तबीयत ठीक है, अभी थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। तो अनमोल कितनी हो रही है भीड़ भाड़? आज थोड़ा है ज़्यादा, ये बंगाली चीज़ें आ जाता है। कल से है ना? हाँ, कल से आपकी मूर्ति जो है स्थापित हो जाएगी यहाँ पर भंडार में। तो कल से दुर्गा पूजा और आरती देखने को मिलेगी शाम को, काफी उस समय भी अभी क्राउड आपका बढ़ेगा इसमें आपका। हाँ, तो आरती जो होती है वो कल से होगी? कल से नहीं, कल पूजा होगी, स्थापना होगी, क्योंकि शाम के स्थापना होती थी, अगले दिन से पूजा फिर स्टार्ट होगी। अच्छा अच्छा, कल तो स्थापना ही होगी। अच्छा, कल शाम को होगी स्थापना? शाम को स्थापना। चलिए फिर दिखाएंगे लोगों को दुर्गा यहाँ की। तो दोस्तों मंदिर की बैक साइड में मैं आई हूँ, जो कि हमारी बड़ी फेवरेट जगह है हमेशा से, और यहाँ से मंदिर बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लाइटिंग्स हैं बड़ी सुंदर सुंदर सी, और दुर्गा देवी का पंडाल भी लगभग बन रहा है, तो कल तक तैयार हो जाएगा, कल से यहाँ पर पूजा शुरू हो जाएगी। तो देखिए रिफ्लेक्शन बड़ा ही सुंदर सा आ रहा है। दोस्तों हम हैं खड़ी बाज़ार पे अभी, और अब सोच रहे हैं कि वीडियो एंड कर देते हैं, तो फिलहाल आज का वीडियो कर देते हैं एंड, क्योंकि कल से दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है, तो अनमोल थोड़ा सा बिजी भी रहता है दुर्गा पूजा में। हाँ, बीच बीच में मैं जाते रहता ना। तो कल से आपको थोड़ा सा दुर्गा पूजा भी दिखाएंगे, तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और अमित जी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वही कहेंगे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, अपने आसपास ना फैलाएं। आप कहीं भी जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहाँ भी कूड़ा ना फैलाएं। जहाँ भी आपको डस्टबिन नहीं मिलता है, तब तक का कूड़ा अपने पास रख सकते हैं। हाँ। ज़्यादा वजन होता नहीं है उसका, अपने आसपास फेंक सकते हैं, थोड़ा दूर गंदा ना करें, डस्टबिन में फेंक सकते हैं। चलिए फिर करते हैं वीडियो को एंड, और कल मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।